जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंगदिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए और ये लोग पहले ही से इंतहाई बेहुदा हरकतें किया करते थे। लूत ने कहा कि ऐ भाइयों, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे बेआबरू न करो। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? तुमको मालूम है कि तुम्हारी इन बेटियों की हमें कुछ हाजत नहीं और जो हमारी गरज है उसे तुम खूब जानते हो। लूत ने कहा, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत कले में। हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो कुछ रात रहे से अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर भी पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है और क्या सुबह कुछ दूर है? आया हमने उस बस्ती को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर की तह बतह कंकरियां बरसाई जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ऐ कौम अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं और नाप और तोल में कमी न किया करो। मैं तो तुमको आसूदा हाल देखता हूं और अगर तुम ईमान न लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर कर रहेगा।